जड़ी बूटी संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोतागण, आज मैं आप लोग को एक औषधि के विषय में परिचय कराने जा रहा हूँ, जिस औषधि को आप प्रयोग में ला करके आप अपने मवेशियों को दूध में जो वृद्धि कर सकते हैं। दूध की अगर मवेशी के अंदर घटी है, दूध नहीं बढ़ रहा है, तो दूध को बढ़ाने वाला ये औषधि है। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस औषधि के विषय में बहुत से लोग जानते भी होंगे कि दूध के विषय में इसकी चर्चा की जाएगी तो दूध के बढ़ाने वाला ये औषधि है, जिसका नाम है सतावर है। सतावर जिस मवेशियों को अगर बच्चा हुआ है और उसके दूध की बढ़ोतरी की आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि दूध का मात्रा ज़्यादा बढ़े, दूध के अंदर फैट ज़्यादा आवे, तो औषधि के रूप में आप खोजे तो सतावर से बढ़कर कोई नहीं है। सतावर को अपने मवेशी का अगर खिलाते हैं तो इसे बहुत ही दूध का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, ज़रूर आपके घर में अगर दुधारू मवेशी है तो आप सतावरी को खरीद कर लाएं। ये पंसारी के दुकान पर आराम से मिल जाता है और इसको आप अपने मवेशी को नियमित रूप से खिलाएं। आप देखेंगे कि कुछ दिन में जो है इसका प्रयोग करने से आपके मवेशी के अंदर जो है दूध का वृद्धि हो जाता है। ये प्रायोगिक है, इसको बार बार बहुत से मवेशी वालों ने प्रयोग करके बताया है कि सतावरी में बहुत सारा गुण है। हाँ जी, मैं एक और भी बात बता रहा हूँ, ये काम जो है ये स्त्रियों के अंदर भी करता है। स्त्री के अंदर भी कोई स्त्री जो है वो उसका बच्चा है, बच्चा को पीने के लिए दूध नहीं हो रहा है, तो उसी स्त्री के लिए भी ये औषधि जो है बहुत ही अचूक औषधि है। तो स्त्रियों को भी इस 5 ग्राम के मात्रा में इसका पाउडर बना ले और गाय के दूध में इसको नियमित रूप से पिए। आप देखेंगे कि जिस माता बहनों को बच्चे के पिलाने के लिए दूध नहीं हो रहा है तो उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा दूध आना शुरू हो जाएगा, उसके स्तन में दूध की वृद्धि हो जाएगी। तो इस औषधि को आप पहचान लीजिए और सतावरी से आप जो है बहुत ही आप अपने शरीर के लिए बहुत ही आप लाभ ले सकते हैं। और भी इसका गुण है, देखिए इसके औरतियों के अंदर बहुत से मानसिक गड़बड़ी है और धातु स्राव की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, तो इसको नियमित प्रयोग से आप देखेंगे कि माता बहनों के जो मानसिक गड़बड़ी है या बचदानी के अंदर गड़बड़ी है, ये पूरे बचदानी को शोधन करता है और बचदानी को शोधन करके ठीक समय से ये पीरियड लाने में आपको साथ निभाता है। और फिर दूसरी बात और है कि ये जो है देख रहे हैं इसकी आकार जो है ये नस के समान है। ये स्त्री हुआ पुरुष हो किसी को भी ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं। किसी को देखते हैं कि नस के संबंधी शिकायत है, जैसे हाथों पैर में सुनापन की समस्या आती है, हाथ पैर सुना हो जाता है और देखते हैं कि खून का दौरा जो है आपके नसों में नहीं हो पाता है, तो आप सतावरी को आप अपने पास में लाएं और ला करके सतावरी का प्रयोग दूध के साथ करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ दिन नियमित रूप से प्रयोग करने से आपका जो है शरीर में सुनापन है, खून का दौरा नहीं हो रहा है और सटीक अगर शिकायत है तो आप देखेंगे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और कृपा करके जो औषधि मैं आपको बता रहा हूँ इस औषधि को आप अपने घर में लाएं और जितने मैंने फ़ायदा बताया है वो फ़ायदा बिल्कुल गलत नहीं है। इसे आप प्रयोग करके बहुत सारे आप फ़ायदा अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं। तो हाँ जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को कृपा करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास भी और भी नए नए नुस्खा होगा जो आप तक पहुँचते रहेगा।